इस शो में किसी के प्यार में की कहानी में अब तक ईशान को ये लगता रहा कि रीवा उनसे प्यार नहीं करती है, तभी तो उन्हें इस तरह से छोड़कर लंदन चली गई थी। रीवा ने पहली प्रेफरेंस लंदन वाले अपनी एडमिशन को दी थी, ना कि ईशान को। लेकिन अब सच खुद ब खुद चलकर ईशान के पास पहुंचने वाला है, जहां पर रीवा की माँ खुद कॉल करती नजर आने वाली है ईशान को ये सच बताने के लिए कि आखिरकार रीवा के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से वो ईशान को छोड़कर गई थी। और वो मजबूरी ये थी कि रीवा की माँ ने उन्हें खुद सुसाइड करने की धमकी दी थी, और इस वजह से रीवा को मजबूरन जाना पड़ा था ईशान को उस हालत में छोड़कर। और यही बात ईशान के होश उड़ा देगी और कहीं ना कहीं उनके सामने वो पूरा सच रख देगी जो कि एक इमेजिनेशन बनकर उनके सामने था, जिसको वो गलत समझ रहे थे, रीवा को गलत समझ रहे थे जिस वजह से। अब देखने वाली बात ये होगी क्योंकि बहुत ही जल्द रीवा अपनी शादी की गुड न्यूज सभी तक पहुंचाने वाली है। अब क्या सच में, क्योंकि सच भी अब आने वाला है ईशान के सामने, कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में अब ईशान और रीवा की शादी होने वाली है फिर से फिक्स और सभी हो जाएंगी पूरी तरह से साइडलाइंस, या फिर ये है एक ऐसा ट्विस्ट जो कि उलझाने वाला है रीवा सभी और ईशान की कहानी एक बार फिर से। जाने के लिए स्टॉप इसके शो को, मैं किसी के प्यार में को लगातार देख रही, टेलीमो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।